अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ फैसल शबीर। क्या हाल चाल हैं, सब ठीक ठाक हैं? अक्सर कमेंट्स आते हैं कि फैसल भाई, बेस्ट वीडियो एडिटर कौन सा है? अगर आप नए नए यूट्यूबर बने हैं, बिगिनर हैं, या वैसे ही अपनी किसी वीडियो को एडिट करना चाहते हैं लेकिन आपको एडवांस वीडियो एडिटिंग नहीं आती, तो आज मैं आपको एक ऐसे वीडियो एडिटर के बारे में बताने जा रहा हूँ जो बिल्कुल ईजी है और आसान है, जिसके अंदर आप अपनी किसी भी तरह की वीडियो को ईजिली एडिट करके उसे खूबसूरत बना सकते हैं। तो ये कौन सा वीडियो एडिटर है, इसके क्या क्या फीचर्स हैं, इसे कैसे यूज़ करना है, उससे पहले आपने एक छोटा सा काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन पर क्लिक करना है। तो आप लोगों को ज़रा भी सस्पेंस में नहीं रखूंगा, इस वीडियो एडिटर का नाम है ACE मूवी वीडियो एडिटर। आपने जाना है अपने ब्राउज़र में, यहाँ पे जाके आपने टाइप करना है acemovie.tuneskit.com, इसमें आपने आ जाना है और यहाँ से आपने इसको डाउनलोड करना है। आप इसको बाय भी कर सकते हैं, ट्राई फ्री भी कर सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त है, फ्री में भी बहुत ज़बरदस्त काम करता है। यहाँ से आपने इसको डाउनलोड कर लेना है, मैंने डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लिया है। मैं आपको इसको ओपन करके दिखा देता हूँ। ये हमारे सामने आ चुका है ACE मूवी वीडियो एडिटर। बहुत ही सादा, सिंपल और इजी वीडियो एडिटर है। इसके अंदर आप अपनी किसी भी तरह की वीडियोस को इजीली एडिट कर सकते हैं। यहाँ से आपने अपनी फाइल को इंपोर्ट करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। मैं ड्रैग करके ले आता हूँ, ये हमारे पास हमारी वीडियो फाइल आ चुकी है। यहाँ से आपने इसको अपनी टाइमलाइन में ले आना है। ये हमारे पास टाइमलाइन है, टाइमलाइन 1, टाइमलाइन 2, जिसमें भी आप रखना चाहें आप इजीली इसको रख सकते हैं। उसके बाद जैसे ही आप अपनी फाइल को इसमें इंपोर्ट करते हैं तो ये पूछता है आपसे कि आपने इसका साइज़ क्या रखना है, इसकी रेशो क्या रखनी है। हम यहाँ पर चूज़ कर लेते हैं 1280। ये हमारे पास हमारी टाइमलाइन आ चुकी है और यहाँ से आप इसको जूम इन जूम आउट भी कर सकते हैं अपनी पूरी टाइमलाइन को, ये देखें इस तरीके से। और ये यहाँ पे इसकी टूल बार है, आप अपनी वीडियो के अंदर कुछ भी लाना चाहें आप इजीली ला सकते हैं, यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके ला सकते हैं और वैसे भी ला सकते हैं। ये देखें, जहाँ पे रखना चाहें आप उसको इजीली रख लें। और उसके बाद उसका साइज सेट करना चाहें आप इजीली उसका साइज सेट कर सकते हैं, उसकी डायरेक्शन दे सकते हैं जहाँ पर उसको रखना चाहें आप। ये देखें इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये देखें इस तरीके से आप अपनी वीडियो फाइल के अंदर कुछ भी ऐड करना चाहें यहाँ से ऐड कर सकते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके। इसी तरह यहाँ पर आपको इसकी ऑडियो फाइल मिल जाती हैं बेशुमार तरह की, आप जो भी इंपोर्ट करना चाहें अपनी वीडियो में इजीली इंपोर्ट कर सकते हैं। ये देखें इस तरीके से आप इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप टेक्स्ट ऐड करना चाहें, किसी भी तरह का टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, जहाँ पर रखना चाहें आप इजीली उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। इस तरीके से इसको देखें, ये देखें इस तरीके से आप इसको जहाँ पे रखना चाहें इजीली रख सकते हैं, उसका साइज सेट कर सकते हैं। इसके बाद इसी तरह यहाँ पे हैं इसके इफेक्ट्स, यहाँ पे अपनी वीडियो में कोई भी इफेक्ट लगाना चाहें आप इजीली इफेक्ट लगा सकते हैं। ये देखें वो इफेक्ट हमारा चेंज हो जाता है। और उसके बाद यहाँ पे इसी तरह ट्रांजिशन मौजूद हैं बेशुमार तरह के, आप जो भी अपनी वीडियो के अंदर ऐड करना चाहें ट्रांजिशन आप इजीली लगा सकते हैं। अपनी वीडियो के किसी भी पार्ट को स्प्लिट कर लें आप, और ये स्प्लिट कर लिया और यहाँ पर आप उसको इजीली ड्रैग एंड ड्रॉप करके लगा सकते हैं। ये देखें, ये देखें आप अपनी वीडियो के अंदर किसी भी तरह के इफेक्ट्स को, ट्रांजिशन को लगा सकते हैं इजीली। उसके बाद आपको मजीद इफेक्ट्स मिल जाते हैं, आप जो भी ऐड करना चाहें जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करें, अपना एरिया सेलेक्ट करें और उस तरीके से आप उसको सेट कर सकते हैं। ये देखें जितने भी एरिया में चाहें आप इजीली वीडियो एडिट कर सकते हैं। ये देखें उसके बाद एक और काम की चीज़ है, यहाँ पर आप अपनी वीडियो के साइज़ बना सकते हैं, डिज़ाइन बना सकते हैं, जिस एरिया में चाहें जो चीज़ आप ऐड करना चाहें आप इजीली ऐड कर सकते हैं। पार्ट 1 में क्या हो, पार्ट 2 में क्या हो, इस तरीके से आप इसको इजीली यूज़ करके इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। और जैसे आप अपनी किसी मूवी पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको इनकी टोन्स मिल जाती हैं, जैसा आप सेट करना चाहें, कलर वगैरह सेट करना चाहें आप इजीली कर सकते हैं। ये देखें इस तरीके से आप इस पर काम करके इससे बहुत ज़्यादा फायदा उठा सकते हैं। इसी तरह आपको ऑडियो पैनल मिल जाता है, आपने वॉल्यूम कितना रखना है, उसको फेड इन फेड आउट कैसे करना है, उसी तरह आपको वीडियो के इफेक्ट्स मिल जाते हैं, आपने वीडियो कैपेसिटी कितनी रखनी है, उसका साइज़ कितना रखना है, उसका स्केल कितना रखना है, इस तरीके से आप इसको ईजिली यूज़ कर सकते हैं। क्रोमा की को आप यूज़ कर सकते हैं, क्रोमा की को यूज़ करना चाहें तो बड़ा ज़बरदस्त फीचर है, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह आपको नीचे भी बेशुमार ऑप्शन मिल जाती हैं, जैसे भी आप इसको यूज़ करना चाहें आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आप जब आपकी वीडियो बन जाए तो आपने इसको एक्सपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट पर क्लिक करने के लिए एक्सपोर्ट ऑडियो, एक्सपोर्ट वीडियो, जो भी आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं ऑडियो या वीडियो उस पर क्लिक करना है आपने। और उसके बाद आपने यहाँ से साइज़ देना है कि आप कौन सा साइज़ रखना चाहते हैं, आपको हर तरह का फॉर्मेट, हर तरह का साइज़ मिल जाएगा। किसी भी डिवाइस के लिए बनाना चाहें आप किसी भी डिवाइस के लिए बना सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त फीचर के साथ है। ये देखें किसी भी मोबाइल के लिए आप बनाना चाहें बना सकते हैं, वेब के लिए बनाना चाहें, यूट्यूब के लिए, फेसबुक के लिए, वीमो के लिए आप इजीली बना सकते हैं अपनी वीडियो को। यहाँ से कोई भी आप साइज़ ले सकते हैं, उसके बाद यहाँ से आप अपनी इसकी रेजोल्यूशन रख सकते हैं, उसके बाद यहाँ से आप अपनी इसकी रेजोल्यूशन सेट कर सकते हैं जो भी रेजोल्यूशन आप रखना चाहते हैं, और उसके बाद आपने एक्सपोर्ट पर क्लिक कर देना है। इस तरीके से हमारी वीडियो फाइल एक्सपोर्ट होना शुरू हो जाएगी। इस तरह आप इसको यूज़ करके इससे बहुत ज़्यादा फायदा उठा सकते हैं। इस वीडियो एडिटर का एक और बड़ा कमाल का फीचर है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। वीडियो एक्सपोर्ट हो जाए उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारी वीडियो फाइल एक्सपोर्ट हो चुकी है, फाइंड टारगेट जहाँ पर आपकी फाइल एक्सपोर्ट होकर गई है वो डेस्टिनेशन हमारे पास आ चुकी है। इस तरीके से आप इसको यूज़ करके इससे बहुत ज़्यादा फायदा उठा सकते हैं।
और इसके बाद जो उसका बड़ा जबरदस्त फीचर है वो ये है कि हम न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करते हैं और डोंट सेव पे कर देते हैं, वो है स्क्रीन रिकॉर्डर। ये बड़ा जबरदस्त फीचर है इस वीडियो एडिटर का, बड़े कमाल का फीचर है, बड़े काम का फीचर है। आप अपनी स्क्रीन को इजीली रिकॉर्ड कर सकते हैं, आपको दूसरा कोई भी स्क्रीन रिकॉर्डर अपने पास रखने की जरूरत नहीं है। आप यहां से आप इजीली स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकते हैं, ऑडियो को, वीडियो को, साउंड को, कैमरे को, और यहां पर आप अपना साइज सेलेक्ट कर सकते हैं, आपने किस रेजोल्यूशन में इसकी रिकॉर्डिंग करनी है। इजीली आप इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं और यहां पर आप क्लिक करेंगे तो आपकी रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी। इस तरीके से आप इस वीडियो एडिटर को इजीली यूज करके इससे बहुत ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। बिल्कुल आसान है, जस्ट हर चीज ड्रैग एंड ड्रॉप है, बहुत ही जबरदस्त और काम आने वाला इजी वीडियो एडिटर है, खास तौर पे बिगिनर्स के लिए, जिन्होंने नया नया काम स्टार्ट किया है, नया नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, उनके लिए जबरदस्त वीडियो एडिटर है। अगर आप एक प्रोफेशनल हैं तो आप इसको बाय भी कर सकते हैं, ज्यादा महंगा नहीं है, लेकिन आप इसको फ्री में भी इजीली यूज कर सकते हैं। तो ये है ACE मूवी वीडियो एडिटर, इसको डाउनलोड करें, इसको इंस्टॉल करें, इससे फायदा उठाएं। तो आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें। जिंदगी रही तो फिर से मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।